बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन वीडियो में असां ॾिसंदासीं 2.2 एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस। इन मतलब छा थियो त एडॉप्टेशन चइबो आहे त को जानदार पाण खे किन कंडीशंस में ढालींदो आहे, उन कंडीशंस जे मुताबिक़ पाण खे उन जे मुताबिक़ ठाहींदो आहे, त उनखे चवंदा आहियूं असां एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट यानी कि ॿूटा पाण खे पंहिंजे माहौल मुताबिक़ ढालींदा आहिनि फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन, छो जो उन्हनि खे पंहिंजियूं कुझु अंदरि इंटरनल कंडीशन्स हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे मेंटेन बि करिणो हूंदो आहे, त ॿाहिरियूं कंडीशन्स चेंज थी थियनि, उन्हनि जे मुताबिक़ पंहिंजा इंटरनल कंडीशन्स सेट कंदा रहंदा आहिनि। ठीकु आहे, इहो आहे असांजो टॉपिक। हाणे में असांखे पंहिंजे किताब में चवे थो त 3 मेन आस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस जा 3 जेकिन से मेन आस्पेक्ट्स थींदा आहिनि। असां होम्योस्टेसिस पहिरियों पढ़ियो हुओसीं त इट इज़ द मैकेनिज़म इन विच ऑर्गेनिज़म्स मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन्स, जंहिंमें टेम्परेचर आहे, प्रेशर आहे। जेकॾहिं असां एनिमल्स जी था ॻाल्हि कयूं त असां प्लांट्स जी था ॻाल्हि कयूं। हाणे पहिरियों अचे थो ओस्मो रेगुलेशन, पोइ आहे थर्मो रेगुलेशन ऐं आख़िर में आहे एक्सक्रीशन। त इहे 3 जेकिन से छा आहिनि, इंटरनल कंडीशन्स आहिनि जेके प्लांट्स चेंज कंदा रहंदा आहिनि, एडॉप्ट कंदा रहंदा आहिनि पाण खे इन्वायरमेंट मुताबिक़। हाणे पहिरें में चऊं था असां ओस्मो रेगुलेशन छा हूंदी आहे, चए थो मेंटेन इंटरनल वॉटर एंड सॉल्ट कंडीशन्स। ॿूटो छा कंदो आहे, पंहिंजे अंदरि जेको उन में पाणी मौजूदु हूंदो आहे या जेके उन में सॉल्ट्स मौजूदु हूंदा आहिनि, उन्हनि खे बैलेंस कंदो रहंदो आहे पंहिंजे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुताबिक़। जेकॾहिं ॿूटे खे हेठि ज़्यादा लूणु मिली वियो त पाण खे एडजस्ट कंदो, ज़्यादा उनखे पाणी मिली वियो त उनखे एडजस्ट कंदो, मतिलबु जेकॾहिं पाणी ज़्यादा अची वियसि त उनखे वरी जिस्म मां उहो पाणी ॿाहिरि बि कढिणो आहे, जेकॾहिं ज़्यादा लूणु अची वियसि त उनखे बि मेंटेन करिणो आहे। इन शइ जे मेंटेनेंस खे असां चवंदा आहियूं वॉटर ऐं सॉल्ट जी मेंटेनेंस खे, जेको उनजी इंटरनल हिकिड़ी कंडीशन आहे, इहो आहे ओस्मो रेगुलेशन। ऐं उहो प्रोसेस छा हूंदो आहे, उहो थींदो आहे ओस्मोसिस जे ज़रिए। ओस्मोसिस वरी छा हूंदी आहे, असांखे एतिरी ख़बर हुजणु घुरिजे त ओस्मोसिस में हितां तीर ॾिसो था लोअर आहे, मतिलबु जॾहिं का शइ लोअर कंसंट्रेशन खां ट्रांसफर थिए कंहिं हायर कंसंट्रेशन जे तरफ़, माना थोराईअ खां का शइ सफ़र करे घणाईअ जे तरफ़, त इहा जेका मूवमेंट हूंदी आहे, छो जो सॉल्ट वाटर जो जेको बैलेंस थींदो आहे ॿूटे अंदरि ईअं ई थींदो आहे, त उनमें उहो छा कंदो आहे, लोअर कंसंट्रेशन जी मूवमेंट हूंदी आहे हायर कंसंट्रेशन जे तरफ़, त इनखे असां ओस्मोसिस चवंदा आहियूं। त यानी कि ओस्मो रेगुलेशन जेका थींदी आहे उहा ओस्मोसिस मेथड जे ज़रिए थींदी आहे। ऐं ओस्मोसिस छा आहे त लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जेके बि उनमें सब्सटेंस सॉल्ट्स मिनरल्स वग़ैरह आहिनि, लोअर कंसंट्रेशन जिते हूंदी उहा ट्रांसफर थींदी काॾे हायर कंसंट्रेशन जे तरफ़, त इहो असां हिनखे चवंदा आहियूं ओस्मोसिस। उन खां बाद में ॿियो जेको हिननि वटि मेथड हूंदो आहे उहो हूंदो आहे थर्मो रेगुलेशन। प्लांट्स खे पंहिंजनि खे पंहिंजे टेम्परेचर खे मेंटेन करिणो हूंदो आहे, त टेम्परेचर मेंटेन करणु, मेंटेन टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट्स, हे लव्ज़ इंपॉर्टेंट आहे, सुइटेबल लिमिट। त ॿूटा बि चाहींदा आहिनि त उन्हनि जो जेको बॉडी जो जेको टेम्परेचर आहे उहो हिकिड़ो सुइटेबल लिमिट ताईं हुजे, उन खां वधी न वञे, जीअं एनिमल्स जे अंदरि बि हूंदो आहे, असांजो जीअं हूंदो आहे 37 सेल्शियस, ठीकु आहे, त ईअं ई हिननि जो बि हिकिड़ो पर्टिकुलर जहिड़े क़िस्म जो ॿूटो हूंदो ओहिड़े क़िस्म जो उनखे ओहिड़े क़िस्म जो टेम्परेचर घुरिजे। इनजी रेगुलेशन जेका टेम्परेचर जी रेगुलेशन आहे उनखे असां चवंदासीं थर्मो रेगुलेशन। हूअं ई थर्म जी माना छा आहे, थर्मो थर्म मतिलबु टेम्परेचर, ठीकु आहे, थर्मामीटर जेको टेम्परेचर खे मालूम करे। वेयर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिममली, मतिलबु जेकॾहिं प्लांट जे अंदरि कुझु एंजाइम्स आहिनि, कैटाबोलिक या एनाबोलिक का एक्टिविटी थिए थी पई, त उन्हनि एंजाइम्स खे कमु करण जे लाइ कंहिं ख़ासि टेम्परेचर जी ज़रूरत हूंदी आहे, उहो ख़ासि टेम्परेचर उन्हनि खे न मिलंदो त उहो ॿूटो सही नमूने ग्रोथ न करे सघंदो। त उन्हनि खे जेको आहे सो कैन वर्क ऑप्टिमली, ऑप्टिममली माना ऑप्टिमम वर्क करण जे लाइ उन्हनि खे ख़ासि हिकिड़ो टेम्परेचर घुरिजे। थोरनि लफ़्ज़नि में ॿूटे खे हिकु ख़ासि टेम्परेचर घुरिजे, इन ख़ासि टेम्परेचर जी रेगुलेशन खे असां चवंदासीं थर्मो रेगुलेशन। ऐं आख़िरि में आहे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन माना जेके वेस्ट प्रोडक्ट्स आहिनि ॿूटे जे अंदरि उहो उनखे खारिज करे या उन्हनि खे मेटाबोलाइज़ करे, ठीकु आहे, चए थो मेटाबोलाइज़ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मीन्स ज़हरीला, मतिलबु जॾहिं ॿूटो के ख़ासि ज़हरीला मादा डाइजेस्ट करे या उन्हनि खे मेटाबोलाइज़ करे, छो जो असां टेक्निकली हे जो लफ़्ज़ मेटाबोलाइज़ आहे, जीअं असां डाइजेशन चवंदा आहियूं त डाइजेशन खे असां सेल्युलर लेवल ते मेटाबॉलिक एक्टिविटी बि चई सघूं था, जॾहिं सेल पाण खे साफ़ करे उनजे अंदरि जेकॾहिं का एक्टिविटी थी रही आहे, जेकॾहिं को सेल पंहिंजे अंदरि का शइ मेटाबोलाइज़ कंदो त उहा बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, या त उनखे हल करे इंज़ाइम्स आहिनि, लाइज़ोज़ोम्स आहिनि,
या जी इनसे गोल्जी बॉडी या असाजे अंदर माइक्रो जो सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया हूँ उ जैसे फंक्शन कहना तो मेटाबोलाइज कहना तो मेटाबोलिक एक्टिविटी के असा ये समझी सकूँ इट इज़ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो हजम कर शय के बाहर फिटी कर या उनकी खत्म कर छन तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम भी बूटन में होंगे तो इनके साथ चाहे मेटाबोलाइज वो क्या मेटाबोलाइज कहना टॉक्सिक वेस्ट के जो उन्होंने अंदर जहरीलो मादो हों कड़ा NH3 आ यूरिया है यूरिक एसिड आ गम्सन लेटेक्स ठीक है इन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक फॉलो था क्या।